हेलो स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ये टॉपिक, ये चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। और इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की मैंने आप लोगों को बहुत से रिएक्शंस बता दी हैं, एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में मैंने आपको अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शंस बताई थी, वो आपको लर्न करने के लिए दी थी। आप लोगों ने लर्न की होगी, वैसे तो 50% से ज़्यादा लर्न कराने की बात मैंने कही थी और आप लोगों ने कर भी लिया होगा क्लास में, अगर मैंने जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुना होगा तो। लेकिन फिर भी जो रिमेनिंग रिएक्शंस थी वो आपको लर्न करनी थी। मेजर पोर्शन रिडक्शन का तो वहीं कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब कुछ बचा हुआ पोर्शन, उसमें थोड़ी रिएक्शन ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो मैं अलग से ले रहा हूँ। तो थ्री रिएक्शंस में आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, स्टीफंस रिडक्शन, एच आई रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन कैसे होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो थी मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब मैं फोर्थ रिएक्शन पे आता हूँ, और रिएक्शन का नेम बड़ा अजीब सा है, मिरवाइन पोंडॉर्फ वर्ले रिडक्शन। नाम से थोड़ा अजीब से लग रहा है, पोंडॉर्फ, एक मेरे को मूवी याद आ रही है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, गोंडॉर्फ था उसमें, है ना, तुम्हें याद नहीं होगा, वो पुराने जमाने की मूवी है मेरे साइन की। चलो वेरली रिडक्शन शॉर्ट में इसे MPV बोलेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन का नेम है और रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। मैकेनिज्म तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं मैकेनिज्म बता सकता हूं, बता भी दूंगा, लेकिन मैकेनिज्म तो तुम स्किप कर लेना, जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। ये रहा कोई एल्डिहाइड या कीटोन, किसका रिडक्शन है, एल्डिहाइड या फिर किसी कीटोन का, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है, ये एरो बड़ा सारा बना दिया, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में, ये रहा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, है ना, और ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में की जाती है, इसकी प्रेजेंस में की जाती है, ये एक्सिस में लिया जाता है। नेम मुझे लिखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल का अल्कोहल का एनायन आइसोप्रोपॉक्साइड, क्लियर है। और ये आइसोप्रोपॉक्साइड और एल्युमिनियम, ये प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, इस कीटोन का रिडक्शन होता है और क्या बन जाता है, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन से अल्कोहल, सिंपल सी रिएक्शन है। और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे डिस्टिलेशन कर करके सेपरेट करते रहते हैं, क्लियर है। रिएक्शन वापस बोलता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन है, प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, एल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, टर्शरी अल्कोहल इसमें नहीं बन सकता। और रिएजेंट क्या लिया जाता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, साइड प्रोडक्ट जो रहेगा वो कीटोन रहेगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके रिवर्स रिएक्शन को ओपेनहायर ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जो कि एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में एंड एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, पर वो रिएक्शन हम लोग ऑक्सीडेशन में सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अभी तो बात करते हैं इसकी रिएक्शन की, ओपेनहायर लिख ही लेते हैं, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एंड इट्स रिवर्स प्रोसेस या रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड ओपेनहायर ऑक्सीडेशन
रिवर्स रिएक्शन है इसकी, ठीक है, ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये तो अपने आप में कंप्लीट हो गया, मैकेनिज्म तो स्किप कर देना, पढ़ाऊंगा तो सही है लेकिन स्किप कर देना। अच्छा एक और खास बात, आप लोगों ने टॉटोमेरिस पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो GOC 2 का एंड का पोर्शन उठा के पढ़ना YouTube चैनल से, आप लोगों को इसका क्या नाम है एल्डिहाइड कीटोन में टॉटोमेरिस मिलेगा वहाँ पर, वहाँ आप लोगों को कीटोन क्या होता है, इनॉल क्या होता है वो पढ़ लेना चाहिए, और कीटोन कंटेंट इनॉल कंटेंट से रिलेटेड कुछ पोर्शन है वो पढ़ लेना चाहिए। और मैं अब ये मानते हुए कि तुम लोगों ने पढ़ रखा है, ये पढ़ा हुआ होना चाहिए था, 11th पास करके आए हो आप लोग, तो 12th वालों के लिए होता है ये टॉपिक, तो वैसे भी 12th या 12th पास वाला स्टूडेंट डायरेक्टली समझ सकता है। चलो कोई नहीं, तो सुन लो, जिन एल्डिहाइड कीटोन में अच्छा खासा इनॉल कंटेंट होता है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, इसे लिख लीजिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद हाई इनॉल कंटेंट डू नॉट गिव दिस रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन वो नहीं देते हैं। कैसे, कौन से, जैसे कि ये हैं, कौन सा कहता है इसे, क्या कहता जाता है, बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन है ना, ऐसे ही बीटा कीटो एस्टर, ये है बीटा कीटो एस्टर, और भी हैं, लाइक कर देता हूं, तुम भी लाइक कर दो इसे, हाँ बीटा कीटो एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर, ये इस फॉर्म में ना रहकर इन, ये अपने इनॉल फॉर्म में ज्यादा रहते हैं इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इनॉल फॉर्म में ज्यादा अमाउंट में रहते हैं उनका और दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, इनका रिडक्शन नहीं होता है, क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, यहां तक तो लिख लो, और आप चाहो तो मैकेनिज्म को स्किप करो, वरना तो ठीक है पढ़ लो, मैं मिटा रहा हूं इसे। हाँ इसका मैकेनिज्म लिखो, अब मैं फिर कहता हूं मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, मेन एडवांस लेवल पर कोई जरूरत नहीं है, ओलंपियाड लेवल पर कोई पढ़ने की जरूरत, कभी क्वेश्चन आएगा तो ठीक है वरना तो कोई खास जरूरत नहीं है, है ना। फिर भी मुझे आता है, एक्चुअली क्या है कि मैं लिखता रहूँगा ना तो मुझे याद रहते हैं, वरना तो मैं भूल जाऊँगा, इसलिए मैं ये लिखूँगा जरूर। तो रिएक्शन किसकी है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की, है ना, ये लो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये रहा एल्युमिनियम, ये रहे दो आइसोप्रोपोक्साइड के, ये वाले पोर्शन कर देता हूँ होल्ड ट्वाइस, और ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा सी डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए इस कीटोन का रिडक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा इसे, ये ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन, और ये रहा एक आर, ये रहा दूसरा आर, है ना, और ये रहा ऑक्सीजन, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी इसमें, यहाँ कार्बन, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, देख लो कौन है ये, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये रहा दो, और वो तीसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये रहा CH CH3 CH3, ठीक है। और ये कीटोन जिसकी रिएक्शन होने वाली है, इसमें क्या होता है कि ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना, यहाँ तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन होता है यहाँ से H के साथ में, और किस तरह से होता है समझिएगा, डायरेक्ट बनाऊँ क्या, चलो कुल मिला के इन दोनों में रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, ये टूटने लगेगा, ये बनने लगेगा, ये टूटने लगेगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसे मैं बनाता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ O है,
और यहाँ ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड टूटने लगा, भाई ये वाला बॉन्ड है ना, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है ये, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बने। तो यहाँ से बॉन्ड टूटने लगा, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बनने लगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, और यहाँ का H के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगी। कौन सा H, जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ था, इस कार्बन के साथ में, ये वाला। और इसका H किससे जुड़ने लगा, कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का, इससे बॉन्ड बनने लगा, ये कौन था, ये कीटोन था, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये टूटने लगा डबल बॉन्ड, और यहाँ एक नया बॉन्ड बनने लगा। इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ फॉर्मेशन है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ हुआ। फाइनली ये क्या बना, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना। MCTC का मतलब क्या हुआ, TS का मतलब 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बने। फाइनली क्या होगा, ये तो टूट के बाहर निकलेगा ये वाला पोर्शन। तो देखो, ये रहा एल्युमिनियम और ये आइसोप्रोपॉक्साइड, तो वैसे भी साइड में कर रखे हैं दो, और इसका बॉन्ड बन गया इस ऑक्सीजन के साथ में, रिवर्सिबल है, इस ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ कार्बन है, इस पे दो R ग्रुप अटैच्ड हैं, और यहाँ से आया हुआ जो H था ना टूट के, वो इससे जुड़ गया है, ये लो मैंने H यहाँ लगा दिया, ठीक है। साथ में कौन बाहर निकला, साथ में C डबल बॉन्ड O, MEME एसीटोन, क्या बाहर निकला, एसीटोन बाहर निकला, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक्सेस में लिया था, मैंने बताया था आपको, है ना। एसीटोन को साइड में कर देता हूँ, इस एसीटोन को साइड में लिख देता हूँ, ये रहा एसीटोन जो कि इस रिएक्शन में बाहर निकला है। अब ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो मैंने कहा एक्सिस में लिया है, उसके साथ इक्विलिब्रियम चलता रहता है कुछ इस तरह का, कि ये अब ये जो अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल है ना, ये रहा CH, CH3, CH3, ये बॉन्ड बनेगा, ऐसे कर देता हूँ इसे, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसा अभी हो रहा था ना, इस ऑक्सीजन ने भी तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया था, वैसे ही ये ऑक्सीजन भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसका अमाउंट ज़्यादा है, और यहाँ से ये H प्लस, यहाँ से ये H प्लस टूट के इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये H प्लस तो आ गया इस जगह, और ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप है वो वापस जुड़ गया यहाँ पर, है ना। तो ये बना CHRROH एंड एल्युमिनियम से ये आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप वापस जुड़ गया। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये टर्शरी, ये आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप इससे जुड़ गया। इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हुआ है समझना, ओवरऑल जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड था उसका तो H माइनस आया है यहाँ पर, ये H माइनस के फॉर्म में तो आया, एक तरह से ये H माइनस के फॉर्म में आता है इस जगह, है ना। तो H माइनस तो यहाँ आया है और अल्कोहल का H प्लस यहाँ आया है। वापस बोलूँ, इसका ये मान लो आप तो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ये वाला जो कार्बन का H माइनस तो आ जाता है कीटोन की इस जगह, और ये वाला ऑक्सीजन आ जाता है कीटोन के ऑक्सीजन पर, इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ बनेगा। चलो स्किप कर ही दिया होगा आप लोगों ने, फिर मैंने तो केवल अपने मन की तसल्ली के लिए पढ़ाया था, आगे बढ़ जाओ। रिएक्शंस करता हूँ एक दो, मिटाऊंगा इसे, फटाफट लिख लो, एक दो एग्जाम्पल कर लो, तुम्हें फीलिंग रहेगी कि हाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल किए। ये लो भाई कीटोन, और ये रही एरोमेटिक रिंग, और इस एरोमेटिक रिंग पर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लें, इस जगह ले लेता हूँ साइनाइड, MPV करवा देते हैं इसका, ये लीजिए MPV करवा दो, MPV कर दूँ क्या डायरेक्ट ही, MPV मतलब समझ गया, प्रोडक्ट बना दो, कुछ नहीं है बस, ये तो ऐसे ही मनगढ़ंत बना के दे दिया मैंने क्वेश्चन, इस कीटोन का रिडक्शन होगा और कुछ नहीं होगा, मैं नहीं दिख रहा इसका आंसर, कोई बढ़िया एग्जाम्पल थोड़ी ना आएंगे इसमें, एग्जाम्पल तो इतना सा है कीटोन को रिड्यूस कर देना और एल्कोहल बना देना,
आगे चलते हैं, लिख लो इसको तो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर, रिएक्शन नंबर 5 पे आएंगे। नहीं लिखा मैंने प्रोडक्ट इसका, रिएक्शन नंबर 5, क्लीमेंशंस रिडक्शन। क्लीमेंशंस रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इससे पहले वाला था ना, मिरवाइन पांडाफ वर्ली रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से कर लेना, वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड का था, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके बाद भी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन आएगा। तो ये रिडक्शन तो पढ़ा हुआ है तुम्हारा, मैंने ORM2 में पढ़ा दिया था इसे, फिर भी वापस तुम्हें बता देता हूँ रिएक्शन क्या है। रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल सी है, किसी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। यहाँ ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मत कर देना, कई स्टूडेंट सी डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ समझ लेते हैं, तो आप समझ लोगे भाई सभी सी डबल बॉन्ड ओ का हो जाएगा। सभी सी डबल बॉन्ड ओ का कैसे हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है, लेकिन वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं होता है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का होगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स का ही रिएक्शन होगी इसमें। रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम HCl के साथ में, तो प्रोडक्ट बनता है CH2 plus H2O plus ZnCl2, बैलेंस नहीं की इक्वेशन, कोई एल्केन बनता है भाई, एल्केन इसमें बनता है, ठीक है। अच्छा, अब मैकेनिज्म तो इसकी समझ लो, इसकी तो कोई बहुत मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सी मैकेनिज्म है कि फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो HCl का H प्लस इस पे आना चाहिए और ये बनेगा, है ना, ये प्लस बना। फिर क्या होगा, ये क्या बना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये OH। अब जिंक क्योंकि मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, खुद बन जाएगा Zn+2 और ये दो इलेक्ट्रॉन जाके धावा बोल देंगे इस जगह, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन देते ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, नेगेटिव चार्ज बन गया। चलो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन माइनस को H प्लस दिखाई दे रहा है, कहाँ से, HCl से, H प्लस एब्जॉर्व करेगा, H प्लस एब्जॉर्व करेगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो ध्यान रखना इसमें एल्कोहल C2 स्टेट में बनता है, मतलब बीच में बनता है, और प्रोडक्ट नहीं है ये तुरंत खत्म हो जाएगा, कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं बनेगा। अब क्या हुआ, अभी भी HCl है वहाँ पर, मतलब एसिडिक मीडियम है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया गया है यहाँ पर, ये HCl का H प्लस आएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे सवार हो जाएगा, क्या बना, यहाँ ये रहा O, एक और H आ गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूँ, CH और ये देखो, ठीक है, क्या बना, ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। जब H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया न्यूट्रल के फॉर्म में, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वही करेंगे जो कुछ देर पहले हुआ है, दो बार में हुआ है, क्या हुआ, पहले कार्बन प्लस बना, अभी समराइज करता हूँ, फिर जिंक आया, जिंक ने दया करके दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसे, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज को, कार्बन पॉजिटिव चार्ज ने वो दो इलेक्ट्रॉन दया के इलेक्ट्रॉन ले भी लिए, और फिर HCl का H प्लस आयन यहाँ आके जुड़ गया, कुल मिला के एल्केन बन गया, कुल मिला के सी डबल बॉन्ड ओ को हटाकर दो एच आकर जुड़ गए। देखो समराइज करता हूं इसे, एच प्लस आया, कैटायन बना कार्बन पे, कैटायन ने जिंक से दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव चार्ज बन गया, कैटायन एनायन इसमें रेडिकल बनता है, कैटायन भी और एनायन भी रेडिकल नहीं सॉरी इंटरमीडिएट बनता है, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन देके एनायन बना दिए, एनायन ने एच प्लस ले लिया, ये बना, फिर वाटर का मतलब जो एसिडिक मीडियम था उसका H प्लस आया, OH को निकाल के ले गया, OH को निकालने से कैटायन बना, कैटायन ने जिंक से इलेक्ट्रॉन लिए
एनायन बना और एनायन ने वापस एस प्लस लिया। क्या मतलब है यार इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म का क्या मतलब है? केवल और केवल इस मैकेनिज्म में एक ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो, कि इसमें इंटरमीडिएट क्या है, तो इसमें इंटरमीडिएट कैटायन एनायन इंटरमीडिएट है, कैटायन भी है एंड एनायन भी है ना, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इसका कैटायन कार्बोकैटायन भी है एंड एनायन भी है, कार्बोकैटायन एंड एनायन इंटरमीडिएट दोनों हैं। क्लियर है? सिंपल से रिएक्शन है। अब एक और खास बात ध्यान रखना, यहां तक तो लिखो फिर बताता हूं मैं, मिटा देता हूं इससे तो पहले, लिख लो फटाफट लिखो, नोट डाल के लिखिए, अवॉइड क्या, अवॉइड क्लीमेंशंस रिडक्शन, क्लीमेंशंस रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स लाइक, किन ग्रुप्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अवॉइड करनी चाहिए, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल मतलब OH ग्रुप हो ना, एल्कोहल ग्रुप उनकी प्रेजेंस में अवॉइड करनी चाहिए, और ईथर की प्रेजेंस में है ना, ईथर मतलब ईथर, ईथर मतलब ईथर ही होता है एटसेट्रा, इन ग्रुप्स की प्रेजेंस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्कोहल ईथर के प्रेजेंस में अवॉइड करना चाहिए क्लीमेंशंस रिडक्शन को। क्यों अवॉइड करना चाहिए? वरना ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो HCl लिया था ना आपने, उस HCl को उन HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। आपने एक रिएक्शन तो पढ़ रखी है HCl की रिएक्शन, एल्कीन एल्काइन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रखा है ORM2 में, वो रिएक्शन कर सकता है। हाँ, एल्कोहल और ईथर के साथ SN1 SN2 रिएक्शन आपने पढ़ी नहीं है, पर वो रिएक्शन भी इसमें हो जाती है। कहने का मतलब क्या है यार, सुनो सुनो ये, कि अगर आपने जैसे ये कोई कीटोन लिया और इस कीटोन का, इस कीटोन की रिएक्शन किया है ना, इस कीटोन में आपने क्लीमेंशंस रिडक्शन किया, जिंक अमलगम प्लस HCl लिया, तो आप सोचोगे केवल कीटोन का ही रिडक्शन होगा। अरे कीटोन का रिडक्शन ही नहीं होगा, कीटोन के साथ साथ इस डबल बॉन्ड पर HCl का एडिशन भी तो हो जाएगा, समझ गए? तो अगर आप इस कीटोन में, इस कंपाउंड में केवल कीटोन को रिड्यूस करके CH2 बनाना चाहते थे तो क्लीमेंशंस रिडक्शन को अवॉइड कर लो, क्योंकि इस जगह HCl आ जाता है। तो फिर क्या करें? तो फिर उसकी जगह वुल्फ किशनर रिडक्शन करना पड़ता है, तो वुल्फ किशनर की भी जानकारी आप ले लो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगला पॉइंट ये लिखो, वुल्फ किशनर रिएक्शन। अब इनके एग्जाम्पल्स की जो तुम्हारी पिपासा है ना, उसको मैं मिटा दूंगा। इनके एग्जाम्पल्स करने की बहुत इच्छा होगी तुम्हारी, करवाएंगे एग्जाम्पल कराएंगे, पहले थोड़ा सा ज्ञान तो ले लो अपने अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो भर लो। अब जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो एक एग्जाम्पल में चार रिएक्शंस दूंगा, और फिर उन इन्फॉर्मेशन को निकालना अपने दिमाग से और उसको अप्लाई करना, देखना नहीं है ना, पेज पलट के देखना नहीं कि किस फंक्शन ग्रुप की रिएक्शन किस एजेंट से होती है, उसको देख के करोगे तो फिर तो लर्न ही नहीं होगी चीज़ें। तो इसको लिखो, मैं मिटाऊंगा इसे, तो लिख लो साइड में। सिक्स्थ रिएक्शन आएगी अब क्लीमेंशंस रिडक्शन के बाद में, वोल्फ किशनर रिडक्शन, वोल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल वो क्लीमेंशन जैसी ही है, बस उसमें रिएजेंट थोड़ा डिफरेंट है। रिएक्शन क्या है? सिंपल सी साधारण सी रिएक्शन है, वही एल्डिहाइड है, वही कीटोन है, ये रहा एल्डिहाइड, या इसकी जगह कीटोन भी यूज किया जा सकता है। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन है, प्रोडक्ट बनेगा CH2 मतलब एल्केन, ये प्रोडक्ट बनेगा। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसके साथ रिएक्शन होती है? हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। थोड़ा हीट करो तो कर दो, ठीक है। रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या है?
नाइट्रोजन इसका बाई प्रोडक्ट है, हाँ, और H2O तो निकलता ही है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। हाँ, इसकी जगह और क्या क्या यूज़ किया जा सकता है? हाइड्राजीन की जगह आपको कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, हाइड्राजीन प्लस KOH के साथ ग्लाइकॉल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ग्लाइकॉल हो तो इसका यील्ड बढ़ जाता है, ना लिखा हुआ मिले तो भी कर देना रिएक्शन, तो पर ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है ना। तो ग्लाइकॉल मैंने ऊपर लिख दिया है, इसकी प्रेजेंस में हो सकता है आपको इथॉक्साइड लिखा हुआ मिल जाए, सोडियम इथॉक्साइड प्लस ग्लाइकॉल, है ना, या फिर हो सकता है फिनाइल हाइड्राजीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी जाए तो भी रिएक्शन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल वगैरह। तो ये इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है, मेजर पोर्शन तो यही पूछा जाता है हाइड्राजीन। क्या कहते हैं इसे? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन की रिएक्शन कराई जाती है बेसिक मीडियम में और एल्कीन बनता है। मैकेनिज्म सुन ले, मैकेनिज्म बता देता हूँ यहीं पर ही। ये लीजिए इसका मैकेनिज्म में इसमें इंटरमीडिएट बनता है एनायन, कौन? कार्बन आयन, बेनियन। ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिए जाते हैं किस तरह का इंटरमीडिएट बनता है। देखो ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ और इसकी रिएक्शन होती है हाइड्राजीन से, हाइड्राजीन से इसकी रिएक्शन होती है, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसका भी डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन आने दो। H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ इंटरमीडिएट बनता है हाइड्राजोन। क्या बताया मैंने? ये इंटरमीडिएट है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस के OH या एल्कोक्साइड जो भी लिया है, इस बेस ने इस H+ को पकड़ के बाहर निकाल दिया, मतलब ये OH- इस H+ के साथ निकल गया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास से H+ निकला है ना, तो नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए नाइट्रोजन हो गया नेगेटिव चार्ज, बन गया इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आती होगी सभी को, डबल बॉन्ड के साथ हमें लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा इस कार्बन पे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनी, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये NH बना, इस माइनस ने H2O से H+ ले लिया, यहाँ H2O था ना उससे H+ ले लिया, H+ ले लिया तो कौन बाहर निकला? OH- H+ यहाँ लगा दो इस कार्बन पे, यहाँ आ गया H, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH। बेस ने वापस क्या किया? बेस इसी सॉल्यूशन में मौजूद है, NaOH एल्कोक्साइड जो भी है, इस बेस ने एक और H+ ले लिया और H2O बना, H2O यहां से, ये OH- ने H+ लिया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया पहले की ही तरह, यहां पहले की ही तरह कार्बन नाइट्रोजन इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज बना, है ना। अब इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये N माइनस सी माइनस बाहर निकला, ये माइनस है और ये N2 गैस बाहर निकली, N2 कर देता हूँ तुम समझ जाना, N2 गैस बाहर निकली, इस माइनस ने वाटर से वापस H+ ले लिया, वाटर से H+ ले लिया, OH- बाहर निकला, तो आपको दिखाई दे रहा है ना OH- कैटलिस्ट था स्टार्टिंग में आया एंड में निकल गया, है ना, तो OH- यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है और फिर क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, एल्केन बना, बना दो जल्दी से, जल्दी से करो इसे, मिटा देता हूँ इसे मैं, ये लीजिए आगे लिखिए, क्लीमेंशन रिडक्शन की ही तरह कुछ फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी अवॉइड करनी चाहिए, लिख लीजिए इसे, अवॉइड वोल्फ किशनर रिडक्शन इन एसिड की जगह बेस सेंसिटिव ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन है? लाइक एल्काइल हैलाइड ग्रुप हो कहीं पर,
या एसिड हैलाइड ग्रुप हो, है ना, या फिर इपॉक्साइड हो, कुल मिला के जिसमें बेस है ना NaOH, NaOH है यहाँ पर, NaOH या एल्कोक्साइड जो भी है, इनसे भी रिएक्शन करते हैं वो। जैसे ये रिएक्शन आपको आती होगी, एसिड हैलाइड अगर बेस से साथ रिएक्शन करेगा तो SN2 TH रिएक्शन करेगा और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में OH- आएगा और Cl को निकाल देगा। तो ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, बेस से रिएक्शन करते हैं, अगर इनके प्रेजेंस में रिएक्शन की गई तो वो बेस इनसे भी रिएक्शन कर लेगा, है ना। जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहां Cl लगा हुआ है, अब ये पढ़ी है कि नहीं, ये पढ़ी नहीं है अपने रिएक्शन, मैं उसी रिएक्शन से समझाऊं जिससे, ठीक है, ये है। आप सोचो कि भाई मैं तो इसमें हाइड्राजीन प्लस KOH की रिएक्शन करा दूं, पर ये बेहतर रिएजेंट नहीं है। क्यों? वैसे हाइड्राजीन खुद यहाँ भी रिएक्शन कर सकता है, एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है ना, इस जगह भी रिएक्शन कर सकता है, यहाँ भी रिएक्शन कर सकता है, तो ये रिएक्शन तो अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि क्लीमेंशन रिडक्शन करके कीटोन को नष्ट कर दो, कीटोन को ही रिड्यूस करूं और इसका बाल भी बाका ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका तो रिडक्शन हो ही जाएगा या इससे रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, आप वो रिएक्शन क्यों ना अपनाते, कौन सी वाली, जिंक अमलगम HCl वाली। अरे तुम्हारे तरकश में एक ही तरह का तीर थोड़ी ना है, अलग अलग तरह के हैं, जैसी जरूरत हो वैसा यूज करो। तो यहाँ क्लीमेंशन रिडक्शन का यूज करो, क्लीमेंशन रिडक्शन में HCl एसिड हैलाइड से कोई रिएक्शन नहीं करता है, केवल और केवल कीटोन को धराशाही कर देगा, कीटोन को उड़ा दिया, C डबल बॉन्ड Cl का कुछ नहीं किया, कितनी बढ़िया रिएक्शन है। समझ गए एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या था। ये लो एक एग्जांपल और कराता हूँ, ये एग्जांपल ये लीजिए, वैसा ही एग्जांपल लेता हूँ, है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज तो कर देना चाहिए, ऐसा कंपाउंड करता हूँ, ये लो यहाँ Cl है या Br है, अब मैंने इसमें हाइड्राजीन प्लस KOH से रिएक्शन कराई। अब हाइड्राजीन ने वैसे रिएक्शन तो कर लिया कि कीटोन को उड़ा दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसको तो रिड्यूस कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो है ना, ये HCl, इसमें HBr का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बेसिक मीडियम में बहुत आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन दे देती है, एलिमिनेशन में HBr का मॉलिक्यूल भी साथ में बाहर निकला और ये डबल बॉन्ड बना। ये ORM4 में मैं एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पढ़ी हुई है तुम्हारी 11th क्लास में तो, कि HBr का मॉलिक्यूल निकालना हो तो बेस डाल दो, तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन होने से एल्कीन बन जाती है, ठीक है। इस कारण से यहाँ क्लीमेंशन रिडक्शन अवॉइड करना चाहिए था, सॉरी वोल्फ क्रिश्चन रिडक्शन अवॉइड करना चाहिए था। अगर आप केवल कीटोन को ही रिड्यूस करना चाहते हो तो जिंक अमलगम प्लस HCl का यूज करो, HCl और एल्काइलाइड में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होगी और कीटोन का ही रिडक्शन होगा, इस जगह कोई रिएक्शन नहीं होगी, Br ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। क्लीमेंशन एंड वोल्फ क्रिश्चन रिडक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कोई कंपाउंड ले लिया जाए कि ये वाला कंपाउंड है और यहाँ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें आप क्लीमेंशन रिडक्शन कराओ या वोल्फ क्रिश्चन रिडक्शन कराओ N2H4 प्लस KOH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कीटोन का उड़ा दो, कीटोन को एल्कीन को बख्श दो, छोड़ दो उसे, इस तरह का रिडक्शन इसमें होगा। चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, 7th रिएक्शन लिखो, इसे मिटाता हूं मैं फिर तो इसे, ठीक है मिटा रहा हूं, अब तो रुकूंगा नहीं मैं। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, 7th नंबर की रिएक्शन है बर्थ रिडक्शन, ठीक है। इस बर्थ रिडक्शन के लिए रिएजेंट्स क्या होते हैं सुन लीजिएगा, रिएजेंट्स फॉर बर्थ रिडक्शन, तो इसमें लिया जाता है बेसिक मेटल और लिक्विड अमोनिया, है ना। बेसिक मेटल में लिथियम ले लो या सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, इनमें से कोई भी, साथ में लिक्विड अमोनिया तो चाहिए ही चाहिए, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं।
ये तो रिएजेंट हो गया। अब बर्च रिडक्शन तीन तरह का है, यहाँ समराइज बना देता हूँ, समरी कर देता हूँ। बर्च रिडक्शन होता है एक तो एल्काइन का, एक होता है टर्मिनल एल्कीन का, और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। तो आप इसे इस तरह से लिखिए, बर्च रिडक्शन ऑफ, स्पीड बढ़ाता हूँ यार, स्टूडेंट कहते हैं स्लो लिखते हो, बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन, वो भी कौन सी एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन से क्या मतलब है, कॉर्नर पे नहीं होनी चाहिए एल्काइन, दोनों तरफ आर ग्रुप जुड़े होने चाहिए, है ना। सेकंड है, इसे फर्स्ट कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, चलो बी है बर्च रिडक्शन ऑफ टर्मिनल एल्कीन। एल्कीन ऐसे होनी चाहिए कॉर्नर पर, CH2 होना चाहिए, यहाँ R ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोने वाली एल्कीन हो। और C कर देता हूँ, बर्च रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, किसी एरोमेटिक रिंग का, जैसे बेंजीन जैसी एरोमेटिक रिंग और कहाँ से आएगी, इसका बर्च रिडक्शन कर दें। इन सब का बर्च रिडक्शन हो सकता है, इसके अलावा भी होता है बर्च रिडक्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये तीन ही है। इसमें भी ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, रिएक्शन होती क्या है सुन लो, जैसे मान लीजिए सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाल दिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालने से ये टर्मिनल एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात, एल्कीन भी कौन सी, ओनली ट्रांस एल्कीन, केवल ट्रांस एल्कीन बनती है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है ना, ट्रांस बनाती है, सिस नहीं बनाती। अगर इसका बर्च रिडक्शन कर दोगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ में, तो इसमें बनेगा एल्केन, ठीक है। और अगर इसका बर्च रिडक्शन कर दोगे सोडियम या लिक्विड अमोनिया, लिथियम या लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम लिक्विड अमोनिया, तो सुन लो एक अनोखी रिएक्शन है जिसमें डाईईन बनी, वो भी कॉन्जुगेटेड नहीं बनी, नॉन कॉन्जुगेटेड बनती है, आमने सामने डबल बॉन्ड आता है, क्लियर है। इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो इसे लिखो जल्दी से, इसे कंप्लीट करो, इसका मैकेनिज्म बताता हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी मिटा दूं तो मैं इसे मिटाऊंगा। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल, ये कर देता हूं, किसके लिए था, एल्काइन के लिए था बर्च रिडक्शन। हाँ, तो मैंने कहा था कि बर्च रिडक्शन होता है एल्काइन का, मैकेनिज्म लिखेंगे, मैकेनिज्म फॉर एल्काइन। देखो, रिएक्शन हो रही है मेटल की प्रेजेंस में, सोडियम ले लिथियम, और इन मेटल्स की आदत क्या है, लिक्विड अमोनिया में ये रिलीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स जाके अटैक करते हैं इस एल्काइन पर, एल्काइन पर, एल्काइन पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, पता है ना कैसे बन रहा है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक और पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पैरेलल ओवरलैपिंग से, और एक और पाई बॉन्ड बन रहा है दूसरी पैरेलल ओवरलैपिंग से, उसको शिकार बनाएगा ये कौन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। एक पाई बॉन्ड में सुनना जरा, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने ओवरलैपिंग कर रखी थी एक पाई बॉन्ड को, दूसरे पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ आके, एक बॉन्ड पर, इस बॉन्ड पे बैठ गया, एक लोन पेयर, मतलब एक ऑर्बिटल में आ गया ये लोन पेयर, ये बॉन्ड टूट गया, कैसे, ये लो आर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और आर, और सुनना ध्यान से सुन लो, यहाँ लोन पेयर था, वो था ना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था, वो पी ऑर्बिटल में थे, है ना, पी ऑर्बिटल में थे, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, तो ये sp2 हो गया ना, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, समझ रहे हो क्या, दो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ एनायन बना, एनायन हो गया, इस तरह का शेप में कन्वर्ट हो गया।
तो इस तरह की ये कंडीशन बनती है। अब ये अपोजिट साइड ही जाते हैं, सेम साइड नहीं आते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि आर इस तरफ होता और रेडिकल यहाँ होता, लेकिन अपोजिट साइड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये रेडिकल एनायन बनते हैं। क्या बना? रेडिकल एनायन इसमें बनते हैं। फिर क्या होगा? फिर ये एच, ये अमोनिया से एच प्लस अब्जॉर्व करेगा, अमोनिया से एच प्लस अब्जॉर्व करेगा तो क्या बन जाएगा? अमाइड आयन। अमोनिया से एच प्लस पकड़ लिया इसने, एच प्लस आ गया इस जगह, एन एच टू माइनस बाहर निकला। तो बर्थ रिडक्शन में ध्यान रखना एन एच टू माइनस बनता है, वो लिखा नहीं मैंने, सोडियम अमाइड बनते हैं। ये बनेगा डबल बॉन्ड एच और आर, और यहाँ तो वो रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल एनायन बनते हैं इसमें। रेडिकल ने क्या किया? एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व किया। कहाँ से? यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व किया, एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व किया तो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये भी एनायन बन गया। ऐसा, कैसा? ऐसा एच और आर दिखाई दे रहा है। अब ये भी अमोनिया से एच प्लस ले लेगा, ये भी अमोनिया से एच प्लस ग्रहण कर लेगा। ये लीजिए, इसने एच प्लस एक्सेप्ट किया और ये अपोजिट साइड में ही आएंगे और ओनली ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। एन एच टू माइनस तो बाहर निकलना ही चाहिए, ये एन एच टू माइनस बाहर निकलेगा, ओनली ट्रांस प्रोडक्ट बना। ठीक है, क्यों बना ट्रांस प्रोडक्ट? क्योंकि वो अपोजिट साइड में ही ज्यादा स्टेबल थे। ये रिएक्शन जो आपको पढ़ाई है मैंने, ये काहे का एग्जाम्पल हुआ? बर्च रिडक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन इज एग्जाम्पल ऑफ, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। कैसे है स्टीरियो सेलेक्टिव? कैसे है स्टीरियो सेलेक्टिव? तो केवल ये देखना होता ना प्रोडक्ट में सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा बना कौन कम बना, तो ट्रांस का सिलेक्शन किया इस रिएक्शन ने, ठीक है, सिस नेग्लिजिबल बना तो स्टीरियो सेलेक्टिव हुई, है ना। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेसिफिक में तो रिएक्टेंट भी तो एक स्पेसिफिक होना चाहिए था ना, ये भी तो स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर से प्रोडक्ट भी स्टीरियो आइसोमर बनना चाहिए, तब होती है ना स्टीरियो स्पेसिफिक। तो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि हम लोग टर्मिनल एल्काइन के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं? टर्मिनल एल्काइन, यही तो कहा था कॉर्नर, नहीं टर्मिनल नहीं थी, नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? टर्मिनल की कर लो तो करेंगे अभी, है ना, मिटा दूं? तो ये लो, मिटा देता हूं। ये नॉन टर्मिनल की क्यों होती है? देखो भाई, अगर आपने टर्मिनल एल्काइन ले लिया, टर्मिनल एल्काइन, तो ये एच एसिडिक भी तो है, sp कार्बन से बॉन्डेड एच है, सफिशियंट, इतना तो पॉजिटिव चार्ज होता है कि एसिड जैसा मान सके, हालांकि एसिड नहीं है लेकिन एसिड की तरह काम कर सकता है अगर कोई बेस आए तो, और यहां है, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस है क्या? यहाँ पर सोडियम भी बैठा हुआ है अच्छा खास अमाउंट में, सोडियम अमाइड भी है, सोडियम और अमोनियम मिलकर अमाइड भी थोड़ा सा अमाउंट बनाते हैं, तो यहां एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये आपको पढ़ा रखा है मैंने सोडियम मेटल के साथ में एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन, हाँ, और क्या बन जाएगा? सी ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सोडियम, ठीक है। ये अमोनिया से एच प्लस अब्जॉर्व करके एच प्लस अब्जॉर्व नहीं करेगा, अमोनिया से ये एच प्लस अब्जॉर्व नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा, बस एसिड बेस रिएक्शन पड़ी थी उसमें बताया था कि sp कार्बन का एच ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से, ठीक है, तो sp कार्बन का एच अमाइड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अमाइड को एच प्लस दे सकता है, अमोनिया
कार्बन नेगेटिव चार्ज को एस प्लस नहीं दे सकते, क्लियर है। इसलिए रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, जबकि उससे पहले जो था ना वो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का जो नहीं। देखो सुनो 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 बच्चों सुन लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, यहाँ का इस जगह का एच होता है तो वो क्या अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक होता है क्या, ये वाला एच नहीं होता ना, तो अगर यहाँ से निकल गया एच प्लस और एनायन बना तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, ये बेस काफ़ी मतलब अमोनिया अमाइड से तो अच्छी होगी, अमाइड अमोनिया से ही एच प्लस ले सकता है, अमोनिया से ही एच प्लस ले सकता है। मैं कैसे समझाऊँ आपको, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाई थी ना मैंने तुम्हें, उसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बनना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर बेस बनना चाहिए, इसने इससे इस बेस से रिएक्शन किया और ये बना दिया, मान लेते हैं ये बना दिया, क्या बना दिया, यहाँ तो एच प्लस आ गया और ये बन गया एनएच टू माइनस, ठीक है। रिएक्टेंट साइड का एसिड प्रोडक्ट साइड के एसिड से स्ट्रॉन्गर है तो रिएक्शन आगे चल दी, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम सोचो कि है ना ऐसा भी कर दे अपन तो कि इसको H प्लस दे दो, H प्लस दे दो तो ये बन जाएगा और NH2 बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, sp2 की बात नहीं कर रहा, sp कार्बन की, तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस कारण से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू अमोनिया, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्लियर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड अगर कॉर्नर पे होता है तो डायरेक्टली एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है, इस कारण से एनायन बनता, फिर आगे कुछ नहीं होता, ये काम खत्म हो गया इसका। लेकिन अब टर्मिनल एल्काइन पे चलेंगे, एल्कीन पर, इसको तो लिख लो 1 2 3, ठीक है। अब बी वाली रिएक्शन कौन सी थी, टर्मिनल एल्कीन की बी, अभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा है ना, बी है फॉर टर्मिनल एल्कीन। देखो यहाँ रिएक्शन होगी सोडियम लिक्विड अमोनिया और ये बन जाएगा एल्कीन। रिएक्शन का मैकेनिज्म काफ़ी कुछ वही है, इसमें भी एनायन रेडिकल बनते हैं इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, यहाँ एनायन बनेगा यहाँ रेडिकल बनेगा और फिर वही एनायन रेडिकल बन बना के एनायन में इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। एनायन प्राइमरी एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है पता है, और सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा कम स्टेबल, उल्टा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ रेडिकल बनता यहाँ एनायन बनता, ऐसा पॉसिबल था ना इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया करने के बाद में, लेकिन ये नहीं होता, ये बनता है क्योंकि प्राइमरी एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, प्राइमरी रेडिकल कम स्टेबल होता है, सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा सही है, इस कारण से ये बन जाता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल ले लिया जाए ना तो ये रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। यहाँ अगर सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन की जाए तो ये रिएक्शन नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि इसमें ना प्राइमरी एनायन बनता था तो वो तो बन जाता है, यहाँ सेकेंडरी एनायन बनेगा तो वो नहीं बन पाता है इसलिए नहीं बनेगी, है ना, ये सेकेंडरी एनायन बनेगा इस जगह, सेकेंडरी एनायन बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड हटने से, तो सेकेंडरी एनायन नहीं बन पाता होगा इसमें। तो अभी अपन ने ट्रिपल बॉन्ड में कैसे बना दिया सेकेंडरी एनायन, यहाँ बनाया था ना नॉन टर्मिनल होना चाहिए दोनों तरफ आर, तो इलेक्ट्रॉन आया था और यहाँ एनायन बनाया था अपन ने, क्यों बनाया था, डबल बॉन्ड पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है ना, एस करेक्टर ज़्यादा है, तो ये एनायन और इस एनायन में कंपैरिजन करो तो ये फिर भी ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज कंपैरिजन ज़्यादा स्टेबल होता है, एस करेक्टर ज़्यादा कारण। तो कोई बाउंड्री लाइन मान लीजिए कि इस तरह के बाउंड्री लाइन है, इस तरह के एनायन नहीं बन पाते, प्राइमरी एनायन तक बन जाते हैं, सेकेंडरी एनायन नहीं बन पाता, टर्शरी एनायन तो खैर होंगे ही नहीं इसमें, तो वो भी नहीं बनेंगे, क्लियर है। तो डायरेक्टली लर्न कर लो इसे कि टर्मिनल एल्कीन की रिएक्शन होती है, नॉन टर्मिनल एल्कीन की रिएक्शन नहीं होती। नॉन टर्मिनल मतलब दोनों तरफ आर जुड़े हों, ये नॉन टर्मिनल एल्कीन की रिएक्शन नहीं होती है, एल्कीन तो उल्टा हो गया ना, एल्कीन एल्काइन में
एल्काइन तो क्या होना चाहिए, टर्मिनल सॉरी नॉन टर्मिनल होना चाहिए, उसकी रिएक्शन होगी, और एल्कीन टर्मिनल होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। चलो एरोमेटिक रिंग का भी लेता हूँ मैं, लिख लो इसे, तो एक एक एग्जाम्पल बहुत है, मिटा रहा हूँ अभी से। ये लो सी फॉर एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग्स का क्या होता है, सुनना, ये रही बेंजीन, सुनना क्या है, तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, अरे तो कोई नई बात थोड़ी ना, ये तो हो गया था हम लोगों का, सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन हुआ और क्या बना, इस तरह का डबल बॉन्ड बना, जिसमें डबल बॉन्ड आमने सामने था, कॉन्जुगेटेड नहीं था, आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड बनता है इसमें, ये वाला बनता है। कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल होता है कि आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड, लेकिन इसमें आइसोलेटेड बनता है। ठीक है, सुन लो मैकेनिज्म, यही बता रहा हूँ शॉर्ट टाइप का। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाले होंगे आपको पता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट स्टेप में, मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, मैकेनिज्म में ये सोडियम ने अपने आउटर मोशेल के इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए हैं और करता ही है, और दो दो सोडियम, वही बैलेंस इक्वेशन आएगी इसमें भी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इन पाई बॉन्ड को तोड़ने की हिम्मत रखता है और इस पाई बॉन्ड को तोड़ भी देता है, एक पाई बॉन्ड टूटा, नेगेटिव बना, रेडिकल बना, जैसे उस तरह बना था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया इस कार्बन पे, तो नेगेटिव बन गया, यहाँ रेडिकल बना। ठीक है, अब ये तो रेजोनेंस तो कर सकते हैं ना, तो रेजोनेंस करेंगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह की, क्लियर है। अब क्या होने वाला है, ये ज़्यादा स्टेबल है, दूर है ना, ये तो पास पास में कम स्टेबल थे, तो ये मोर स्टेबल है और इस मोर स्टेबल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन जाते हैं। वैसे इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, एक एक स्टेप में आते हैं, पर डायरेक्ट भी कर लेते हैं कई बार हम लोग, कि एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए यहाँ रेडिकल बन जाए, एनायन बन जाए, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एनायन भी बन सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, हालांकि डाई एनायन से तो अच्छा है कि रिएक्शन पहले ही हो जाए। अमोनिया ने अपना एच प्लस दे देना है यहाँ पर, यहाँ भी अमोनिया, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ नेगेटिव बना, नेगेटिव बना, अमोनिया ने एक एच प्लस यहाँ दिया, एक एच प्लस यहाँ दिया, क्या बना, यहाँ एच प्लस दिया किसने, अमोनिया ने, अपना एक एच प्लस यहाँ दिया, एक तो पहले से ही था, एक एच प्लस यहाँ दिया और एन एच टू माइनस बन गया, एन एच टू माइनस बन गया। ठीक है, वैसे तो ये शॉर्ट में मैं बताऊँ, डिटेल में बताऊं कि अमोनिया पहले अपना एच इसे देता है, इसे न्यूट्रल बनाता है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आता है, ये नेगेटिव बनता है, फिर अमोनिया आता है, फिर इस तरह की रिएक्शन करता है, पर उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ ले लिया है। तो आप समझ रहे होंगे एनायंस बनते हैं आमने सामने, और क्यों बनते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसे तो लिख लो, मिटा देता हूँ इसे, तो 1 2 3 जरा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, इंपॉर्टेंट है। अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, कौन है ये ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आप उसका बर्च रिडक्शन कराते हो तो डबल बॉन्ड आमने सामने बनेंगे, तो वो तो बनने ही चाहिए, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, उससे दूर बनेंगे डबल बॉन्ड, दूर का मतलब ऐसा भी तो बन सकते थे, ऐसा भी तो बन सकते थे, पर ऐसे नहीं बनेंगे आमने सामने, इस तरीके से बनेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे दूर होगा, मतलब उससे टच नहीं होगा ये डबल बॉन्ड। लेकिन अगर ये ग्रुप, कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
तो इधर लिखूंगा, इसे इधर लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये कह रहा था अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना होकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या होगा। बर्च रिडक्शन अगर आप उसे कराते हैं तो बर्च रिडक्शन के बाद में डबल बॉन्ड बनेंगे तो आमने सामने इस तरह से, लेकिन इस ग्रुप से टच हो जाएगा एक डबल बॉन्ड, कोई एक डबल बॉन्ड इस ग्रुप से टच हो रहा होता है। अब इसका कारण क्या है वो सुन लो। अरे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है ना, एनायन आमने सामने बनते थे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, आमने सामने बनेंगे नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव यहाँ आएगा एक नेगेटिव यहाँ आएगा, इस तरह का एनायन बनेगा। वैसे तो एनायन रेडिकल बनते हैं फिर एनायन बनते हैं, इस स्टेप में डायरेक्टली बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो मान लीजिए इस तरह से एनायन बनेंगे और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस तरह के एनायन ज़्यादा स्टेबल होंगे, है ना, कि नेगेटिव यहाँ बना नेगेटिव यहाँ बना, अथवा तो यहाँ यहाँ बना डबल बॉन्ड आमने सामने आया, इस तरह की स्ट्रक्चर बनी। कौन सा बढ़िया लग रहा है तुम्हें, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास में या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से दूर? कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ऊपर वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ये लेसर स्टेबल है। तो तुम समझ गए इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनता ये बनता है, क्लियर है। अगर यहाँ की बात करें तो वही केसेस आ गए कि नेगेटिव चार्ज बनेंगे आमने सामने, ये लो इस ये डोनेटिंग ग्रुप है, एक बार नेगेटिव यहाँ बना और यहाँ भी बनेगा, एक साथ लिख दिया, और नेगेटिव यहाँ बना और यहाँ बना। तो आप बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में नेगेटिव ज़्यादा अच्छा है कि दूर ज़्यादा अच्छा है? डोनेटिंग ग्रुप है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और स्टेबिलिटी कम कर दी उसकी, तो यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ये है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है अमोनिया से H+ यहाँ आएगा H+ यहाँ आएगा, ये नहीं बनेगा इससे कारण होगा। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो एक चीज याद रख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो आमने सामने डबल बॉन्ड बनेगा, विड्रॉइंग से टच नहीं कराना है उसे, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं, बनाओ इसे, ये तो कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, ये वाले दोनों एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल नहीं है, कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, मिटा रहा हूं अब एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल्स करें, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं। अच्छा एग्जाम्पल क्या है अभी तो कुछ मुझे बताना भी है। चलो ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का बर्च रिडक्शन होता है तो बनता है, इसे सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करवा दिया इसका, तो एक एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होता है नेफ्थलीन का, एंथ्रासीन का और फिनेंथ्रीन का, वैसे पूछे कभी नहीं गए, फिर भी ये डबल बॉन्ड इस तरह से आमने सामने बनता है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद में और रिडक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पॉसिबल नहीं है, ये भी तो एरोमेटिक रिंग है, इसका भी रिडक्शन हो सकता है, और इस तरह से आमने सामने डबल बॉन्ड बन जाते हैं। थोड़ा हीट वीट करना पड़ता है इसमें, इसमें अगेन बर्च रिडक्शन हो जाता है, आगे और रिएक्शन बढ़ती है, ये प्रोडक्ट बनता है, समझ लेना पहले, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, हीट करने पर बर्च रिडक्शन और होगा तो ये कंपाउंड भी बन सकता है। ऐसे ही मेन कंपाउंड तो यही है, उससे हमें मतलब नहीं होता, वो पूछा भी कम जाता है, अब लिख दिया मैंने वैसे, यही मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। इसके अलावा अगर ये कौन है, एंथ्रासीन है ना, ये तो है नेफ्थालीन ये है एंथ्रासीन, इसमें भी अगर बर्च रिडक्शन किया जाए तो बीच वाली रिंग का रिडक्शन होगा, दोनों एरोमेटिक रिंग सही सलामत बच जाती है, और भी अगर आप बाद में हीट वीट करके इसके पीछे पड़ो तो और बर्च रिडक्शन भी इन दोनों रिंग का भी हो सकता है,
बट मेजर प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट यही कहा जाता है रूम टेम्परेचर पर। ऐसे ही एंथ्रासीन के बाद आता है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में भी बर्च रिडक्शन तो होगा। ये है फिनेंथ्रीन, ये लो फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में बर्च रिडक्शन होता है लेकिन उसका प्रोडक्ट होता है बीच वाली रिंग का ही होता है, आमने सामने प्रोडक्ट नहीं बनते, इस तरह का प्रोडक्ट इसमें बनता है। ये दोनों रिंग तो एरोमेटिक बनी रहती हैं और यहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो फैक्ट बेस्ड रिएक्शंस थी। अब है लॉजिकल रिएक्शन, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पूछी थी। अगर ये कंपाउंड है और इसका बर्च रिडक्शन आपने किया तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताओगे। फिफ्थ रिएक्शन, अगर ये कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, इसका बर्च रिडक्शन किया क्या प्रोडक्ट बनेगा। एग्जांपल नंबर सिक्स, अगर ये क्या नाम है इसका, मीथॉक्सीबेंजीन, क्या क्या नेम है इसका, इस ईथर का मीथॉक्सीबेंजीन भी है और मिथाइल फिनाइल ईथर भी है और एनिसॉल भी तो है। एनिसॉल, इसका बर्च रिडक्शन किया क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो जल्दी से। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, इसका बर्च रिडक्शन करो क्या बनेगा, मतलब क्या नाम है वैसे इसका, पैरा ज़ाइलीन। ये कॉमन नेम तो बताता ही रहता हूँ मैं जिससे स्टूडेंट्स को लर्न हो जाए। ये तो करो, थ्री तक एग्जांपल जल्दी से लिखो और फिर यहाँ सेवन तक के प्रोडक्ट तुम बनाओ। मैं इसे मिटा देता हूँ, थ्री तक के एग्जांपल मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर एट, डोनेटिंग ग्रुप है ना, डोनेटिंग ग्रुप, चलो ऐसे लगाते हैं। इसमें बर्च रिडक्शन कर दो, मोस्ट सुटेबल कंडीशन बताना, और इसमें बर्च रिडक्शन कर दो, ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन पैराजाइलिन, मोस्ट सुटेबल कंडीशन बताओ। और लेता हूँ, ये है एमी एमी और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये भी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इसकी रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालना ना भूलना। इसकी रिएक्शन कराना सोडियम से प्लस लिक्विड अमोनिया से, प्रोडक्ट हम चाहते हैं आप बना दें। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने से नहीं कतराते हम, करो। चलो अब करें, मैं करूं। फोर्थ में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो कम से कम उससे टच हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ बना था, वहाँ एच आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो डबल बॉन्ड उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से टच नहीं होगा, कि कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये कौन है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस एम, तो फिर डबल बॉन्ड इससे टच हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करूंगा इसे सिंपल तरीके से। ये कौन है, दोनों का दोनों डोनेटिंग ग्रुप, दोनों डोनेटिंग ग्रुप है तो दोनों तरफ अगर टच हो जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना एक से तो टच करा ही देंगे। तो आप देखो, अगर मैं यहां और यहां डबल बॉन्ड बनाऊं तो दोनों मिथाइल से टच नहीं हुआ, यहां और यहां डबल बॉन्ड बनाऊं तो इस मिथाइल से भी टच हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां यहां बना था, इन दोनों मिथाइल से दूर बना था, इसमें नेगेटिव चार्ज कहां बनेगा, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है
तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी अच्छी है, नेगेटिव इधर इधर बन जाए आमने सामने, तो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना, ये सही रहेगा। इसमें नेगेटिव यहाँ अच्छा नहीं रहेगा, इसके पास डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये अच्छा रहेगा दूर दूर, तो ऐसा बनना चाहिए। जो बेस्ट कंडीशन है वो बता दी, वरना तो जैसा प्रोडक्ट बनेगा वैसा बनाना ही पड़ेगा। इस केस में ट्रिपल बॉन्ड है दो दो, ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन। टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेगा, हाइड्रोजन की कमी नहीं है मेरे पास में, और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करके सारे पाई बॉन्ड खत्म करेगा और क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एन हेक्सेन बन गया। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एल्कीन से क्या बनता है, एल्काइन से बनता है एल्कीन, और वो भी सिस एल्कीन। सिस एल्कीन का मतलब दोनों डबल बॉन्ड सिस होंगे। ये लो क्या स्टाइल है मेरी, इसमें सिस लिखा, इसमें भी सिस लिखा, दोनों डबल बॉन्ड सिस है। इस केस में ये बर्च रिडक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड उसमें ट्रांस बनता है। ट्रांस बने का मतलब ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। क्या तुम्हें ट्रांस दिखाई दे रहे हैं क्या, मुझे तो दोनों डबल बॉन्ड ट्रांस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का ये बर्च रिडक्शन है, सेवंथ रिएक्शन है। आगे और बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग लिख लो, चलो लिखो इसे। नेक्स्ट एट्थ रिएक्शन लेते हैं, रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स में हम लोग फोर टाइप के हाइड्राइड्स लेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखो यहाँ वही रिएक्शंस लूँगा जो कि उस टेबल में नहीं बताई गई थी, या कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, वो सेम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें हम लोग लेंगे फर्स्ट ए कर देता हूँ, चलो ए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना। बी लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सी क्या लें, सी ट्राइमिथाइल टिन हाइड्राइड, या ट्राइमिथाइल टिन हाइड्राइड ही कहा जाता है, ट्राइमिथाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ओके ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। और एक और होता है डाइबल एच, डाइबल एच, डाइबल एच का मतलब है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, डाइबल एच ऐसे आया है, डाइबल एल यहां से एच। ये इन मेटल हाइड्राइड्स की रिएक्शंस लेते हैं। फर्स्ट लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ए है 8.A कर सकते हो या डायरेक्ट ए भी कर सकते हो, मैं 8.A कर देता हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता कैसे है, वो तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन की जाती है एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ये लो बन गया लिथियम का एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें मैंने आपको बताया था कि H माइनस होता हाइड्राइड है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये ORM1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो मैंने टेबल में आप लोगों को बताया था वो ये बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, इसके अलावा सब ग्रुप जो मैंने टेबल में बताए थे उनका रिडक्शन ये कर देता है। अब उन एक एक ग्रुप को लेते हैं, जहां वहां जो टेबल बताया था उसमें से कोई डिफरेंस है तो उन ग्रुप्स को लेते हैं।
तो इसका फर्स्ट ग्रुप है, ए ग्रुप कर देता हूं, नाइट्रो, नाइट्रो ठीक है ना, NO2 के साथ में क्या करता है सुनना, अगर एलिफैटिक नाइट्रो है, मतलब ये आर ग्रुप एलिफैटिक ग्रुप है, और आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसका रिडक्शन करवाया है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमीन बनेगा। ये तो कोई खास बात नहीं है, तो मैंने पहले बता दिया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन में कन्वर्ट होता है। परंतु अगर एरोमेटिक रिंग के साथ में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन है ये, एरोमेटिक ग्रुप है, एरोमेटिक ग्रुप से डायरेक्टली नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करने पर एजो एरीन बनती है, एजो एरीन बनती है, या एजो एरीन या एजो बेंजीन बोल सकते हैं, ये बनती है। कैसे बनेगी, अभी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन लूंगा मैं, उसके अंदर बताऊंगा, है ना। तो एक खास बात तो याद रखिएगा कि नाइट्रो में एलिफैटिक नाइट्रो से डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है, और एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप से डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है। चलो बी ग्रुप लेते हैं, मिटा दूं इसे, नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड, बी ले लेते हैं, 8 पॉइंट मतलब बी वाला पार्ट, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जानते हैं हम तीन तरह के हैं, आपको बता तो दिया था एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करता है, लेकिन ये तीनों के साथ भेदभाव करता है। कैसे, अगर प्राइमरी या एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इन दोनों में से कोई भी हो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसका एच माइनस है ना, न्यूक्लियोफाइल होता है वो, एच माइनस यहाँ एस एन टू रिएक्शन करता है, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे। SN2 में कुल ये होता है कि ये यहाँ अटैक करता है, ये माइनस है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H- माइनस यहाँ अटैक करेगा, X को निकाल देता है, लिथियम वगैरह के साथ X निकल जाता है, और यहाँ RH कोई एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर ये एल्काइल हैलाइड कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता और उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला जाता, तो यहाँ ई टू एलिमिनेशन होता, एलिमिनेशन का मतलब होता है कुछ ग्रुप्स बाहर निकलते हैं, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट होता है एल्कीन, यहाँ एल्कीन प्रोडक्ट बनता, हाँ इसमें एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। कैसे, समझना कि जैसे मैं कहूँ CH3Cl है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को LAH बोलते हैं, प्रोडक्ट बनाना जरा। अगर कोई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो ये भी एग्जांपल आपको समझा दिया गया, इसका प्रोडक्ट बनाओ देखें, है ना LAH। लेकिन ये टर्शरी हैलाइड है, इसमें अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला गया तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, समझना। लिथियम, ये मिथाइल क्लोराइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो H माइनस आएगा, H माइनस इस X को निकाल देगा, CH4 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Cl को निकलने दो, यहाँ मीथेन प्रोपेन बन जाएगा, परंतु यहाँ बनेगा एल्कीन कुछ इस तरह का। कैसे, यहाँ एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ से H और Cl बाहर निकला, HCl का एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, दो ग्रुप बाहर निकले तो डबल बॉन्ड बनेगा, एलिमिनेशन होता है, वो होता क्यों है, वो एलिमिनेशन पढ़ेंगे जब समझ में आएगा, लेकिन ये तो समझ में आ गया ना जो बताया है कि ऐसा में ऐसा करना है, टर्शरी में वैसा करना है। हाँ, अगर टर्शरी कुछ ऐसा हो, जैसे ये टर्शरी है, अब आपके पास चॉइस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया LAH, चॉइस है आपके पास में कि यहाँ से HCl निकलेगा, इस जगह से H और इस जगह से Cl निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और यहाँ से Cl और यहाँ का H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, लेकिन मेजर ये बनता है, क्यों बनेगा मेजर, क्योंकि ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं,
हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा होगा, एसिडिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये वाला एल्कीन इसमें बनेगा। तो एल्काइलाइड्स का क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेता हूँ मैं इपॉक्साइड का, इपॉक्साइड का भी रिडक्शन होता है। चलो लिखो, मिटा देता हूँ इसे, तुम्हें लिख लो फटाफट। सी है इपॉक्साइड, इपॉक्साइड समझते हैं, इस तरह की रिंग होती है ना, थ्री मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, ये इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड में जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं ना, तो इसका एच माइनस, समझ रहे हो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहाँ एच माइनस होता है, वो एच माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, कुल मिला के अल्कोहल बनता है, और वो एच यहाँ आ गया, सी एच थ्री बन गया। ये सी एच टू था, सी एच टू, सी एच टू, और सी एच टू मोटा सा लिखूँगा, सी एच टू ये था। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पर एच माइनस ने रिएक्शन किया। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ एच जुड़ गया, ये सी एच थ्री बना, लेकिन ये तो ओ माइनस बना था, ओ माइनस पे एच कहाँ से आ गया, तो ओ माइनस पे एच कहाँ से आएगा, आपको बताया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बाद में एसिड तो डालते ही हैं, इनमें लिखा नहीं ऊपर वालों में, वरना उनमें भी डाला जाता है एसिड तो, ठीक है। एल्काइलाइड वाली बात छोड़ो, एसिड तो ज़्यादा ही आता है ना, एल्काइलाइड में इनमें एसिड डालते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एसिड वैसिड डाला होगा, उसमें से एच आ जाता है। ये तो सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, लेकिन अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड हो, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिडक्शन करते हैं, मतलब रिएक्शन होगी, तो एच माइनस उस कार्बन पे जाके अटैक करता है जहाँ क्राउडिंग कम होती है ना, यहाँ क्राउडिंग कम है, यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है, तो ऑन लेस क्राउडेड, यहाँ लिख दूँ क्या, दिखाई देगा तुम्हें, है ना, ये तो सिमेट्रिकल था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर टू, अनसिमेट्रिकल, ये लीजिए ऐसा इपॉक्साइड जिस जगह डिफरेंस है, तो यहाँ अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं, तो इसका जो एच माइनस है वो उस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ क्राउडिंग कम होती है, तो यहाँ अटैक, अटैक ऑन लेस क्राउडेड कार्बन, लेस क्राउडेड कार्बन, क्राउडिंग हो गई यहाँ पे, लिखने की जगह नहीं बची, अटैक ऑन लेस क्राउडेड कार्बन, कहने का मतलब जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहाँ अटैक होगा और ये बॉन्ड टूटेगा, और ये ओ माइनस, यहाँ तो आ गया एच, यहाँ आ जाएगा ओ माइनस, ओ माइनस के बाद तो एसिड तो डाला ही जाता है, इस तरह से सेकेंडरी एल्कोहल बन जाता है। इसके बारे में हम लोग और डेप्थ में बात करने वाले हैं ORM3 में। इस इपॉक्साइड के बाद में आ रहा है सिनेमाइल ग्रुप, डी ग्रुप है सिनेमाइल, सिनेमाइल कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ये क्या चीज आ गई। अभी कुछ देर पहले तो मैंने मना किया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का तो रिडक्शन करता ही नहीं है, तो जब रिडक्शन करता ही नहीं है तो यहां सुन लो, आप सुनो, सिनेमाइल क्या होता है ये पता है क्या? सिनेमिक एसिड याद है किसी को? इस एसिड को कहा जाता है सिनेमिक एसिड। ये वाला एसिड कौन सा है? सिनेमिक एसिड। अगर यहां एसिड की जगह एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो उसे कहा जाएगा सिनेमाल्डिहाइड, ठीक है। यहां एसिड की जगह COCl आ जाए, एसिड का हैलाइड आ जाएगा, तो बोलेंगे सिनेमाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? सिनेमाइल ग्रुप समझ गए? एक तरफ एरोमेटिक रिंग हो, एक तरफ बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, और यहां इस तरह के ग्रुप को सिनेमाइल बोलते हैं। अब आप सुन लीजिएगा, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ में, ध्यान से सुनो, एरोमेटिक रिंग हो यहाँ पर, ये कोई जरूरी नहीं पीएच हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, और फिर उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड,
और फिर उसके बाद ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जिसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होता हो, तो जैसे यहाँ कोई ग्रुप कर देता हूँ, कोई क्या करूँ मैं इसमें, कोई एक्स वाई जेड जेड ग्रुप कर देता हूँ, जेड जहाँ जेड क्या हो सकता है, जहाँ जेड एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, और भी बहुत से हो सकते हैं, सी ओ सी एल हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी का रिडक्शन करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करोगे तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देगा, है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जनरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, लेकिन सिनेमाइल ग्रुप, इस तरह के ग्रुप्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, सिनेमाइल ग्रुप्स, यही इन्हें कहा, क्या कहा गया है, सिनेमाइल ग्रुप्स। तो एक तरफ एरोमेटिक रिंग हो, बीच में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और ये जेड ग्रुप हो, तो ये सिनेमाइल ग्रुप कहा जाता है। सिनेमाइल ग्रुप में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, नॉर्मली तो नहीं कर पाता है ना। तो इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिख लो, जनरली रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नॉट पॉसिबल विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बट इन केस ऑफ सिनेमाइल कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड रिडक्शन पॉसिबल। लिख दोगे आप? हाँ, तो लो यार लिख देता हूं, जनरली रिडक्शन, जनरली नो रिडक्शन, नो रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। बट रिडक्शन पॉसिबल, रिडक्शन पॉसिबल विद पॉसिबल ऑफ सिनेमाइल, सिनेमाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। नॉर्मल डबल बॉन्ड का नहीं होता, बट ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तब हो जाता है जब सिनेमाइल ग्रुप हो। चलो, तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा, एग्जाम्पल क्यों होता है उसको भी बता दूंगा कारण, तो पर फिर भी आपको तो याद रखना है कि हो जाता है, बस हो जाता है तो ठीक है, आपको याद रखना है। देखो सुनो, ये रहा कीटोन, मैं सॉरी एल्कीन है, तो क्या कीटोन है यार, इसका रिडक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का तो होता ही नहीं है, ये सिनेमाइल भी नहीं है, इधर एरोमेटिक थोड़ी ना है, तो केवल और केवल कीटोन का रिडक्शन होगा। कीटोन की रिएक्शन आप पढ़ चुके हो ना मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, पढ़ चुके होंगे, प्लस माइनस बनेगा, कायरल कार्बन है। लेकिन अगर यहाँ एरोमेटिक रिंग होती है, बीच में डबल बॉन्ड होता और ये कीटोन होता, तो कीटोन के साथ में, एक मिनट, तो कीटोन के साथ में इसका भी रिडक्शन हो जाता है। यहाँ अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो डबल बॉन्ड का भी और कीटोन का भी रिडक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। और ऐसा क्यों होता है वो सुन लो ना, क्यों होता है, रेजोनेंस के कारण। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें एच माइनस होता है, एच माइनस यहाँ रिएक्शन कर सकता था बट इसमें तो नहीं करता, इसमें H- माइनस कहाँ रिएक्शन करता है, केवल और केवल यहाँ, यहाँ रिएक्शन नहीं करता है, यहाँ रिएक्शन करता है, क्योंकि H- माइनस न्यूक्लियोफाइल है, उसे पॉजिटिव रिएक्शन करना चाहिए, यहाँ रिएक्शन कर लेता है। लेकिन यहाँ इस केस में पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट एरोमेटिक रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाती है। तो क्या होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसका, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ऐसा एरो बनाते हैं ना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ ये नेगेटिव बना, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, इसमें न्यूक्लियोफाइल H- आके यहाँ जुड़ गया, तो पी एच
और यहाँ डबल बॉन्ड O- बना, फिर O- ने वाटर से H एब्जॉर्ब किया, वाटर से H एब्जॉर्ब किया होगा, करते हैं ना अपन नेक्स्ट स्टेप में वाटर डालते ही हैं, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O इनॉल, इनॉल से तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटो द्वारा, टोटोमेरिज्म से ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, फिर कीटोन का वापस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं होता वो रिएक्शन, क्यों नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है एरोमेटिक रिंग के पास में, इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और लेता हूँ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स लूंगा, मिटा देता हूँ इनको, लिख लो फटाफट, मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट ई लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए आर सी एन एच और ओ एच नहीं होता है, ऑक्साइम देना है, सी एच डबल बॉन्ड एन नाइट्रोसो के बाद ये वाला कंपाउंड है ना, आइसो साइनेट, आइसो साइनेट, तो अब ये तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, आइसो साइनेट अगर इससे रिएक्शन करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और लॉन्ग टाइम तक थोड़ा मतलब आगे तक रिएक्शन कराते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनता है आर एन एच सी एच थ्री, इस तरह का एल्केन अमीन बनेगा, सेकेंडरी अमीन बनाना ही है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कहा जाता है आइसो साइनेट, साइनेट है ना, और इसका रिडक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है तो ये बनाता है सेकेंडरी अमीन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो चल ही रहा है। इसके अलावा एजाइड होना N3, तो इसको भी रिड्यूस करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और कन्वर्ट कर देता है RnH2+ नाइट्रोजन गैस में, और भी बहुत से कंपाउंड हैं जिनका रिडक्शन करता है, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का तो यही काम था। नेक्स्ट लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका तो कोई लिमिटेड काम है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ वो उसके अंदर ही, पहले ही वो टेबल में बता चुका हूँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट किस किस का रिडक्शन नहीं करता है, ये तो मैंने नहीं बताया था, मैंने ये बताया था किस किस का रिडक्शन करता है, चार का ही तो करता था, चार कौन से थे, एक एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एक एसिड हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, इन चार का रिडक्शन करता है, तो वही चीज़ें तो हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड का, कीटोन का और एसिड हैलाइड का, ये तो कॉमन है, कोई खास बात नहीं है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कर दें तो ये तो अल्कोहल बनेगा, ये भी अल्कोहल बनेगा और ये भी अल्कोहल बनेगा, कोई खास बात नहीं है, ये तो वही सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसी रिएक्शन है। लेकिन अब एल्काइल हैलाइड की अगर मैं बात करूँ, एल्काइल हैलाइड कोई भी हो, इसमें टेबल में ये नहीं लिया गया था, सेकेंडरी और टर्शरी से ये रिएक्शन करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, वो प्राइमरी सेकेंडरी से करता था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये करता है सेकेंडरी एंड टर्शरी से और आर एच बना देता है, इसका जो एच माइनस है वो एक्स को निकाल देगा। लेकिन अगर वो प्राइमरी हुआ ना प्राइमरी, तो लिथियम सॉरी सोडियम बोरोहाइड्राइड इससे रिएक्शन नहीं करता है, क्लियर है। एल्काइल हैलाइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टर्शरी से एल्कीन में आता था, ये प्राइमरी से रिएक्शन नहीं करता है, यही डिफरेंस है इनके अंदर। तो नेक्स्ट लेता हूँ इसके बाद में ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, एट एट पॉइंट सी आएगा, ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, ये फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कोई सा भी एल्काइल हैलाइड हो, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी, ये ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड इसे आर एच में कन्वर्ट करता है, कौन से रिएक्शन से, फ्री रेडिकल रिएक्शन से, यहाँ तक कि एरोमेटिक हैलाइड होना उसमें भी ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड ARH में कन्वर्ट कर देता है, ARH मतलब एरोमेटिक, और X को निकाल कर H लगा देता है, एल्कीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट एक और है डाइबल H, है ना, उसको भी लेके खत्म करते हैं,
डाइबल एच लेते हैं, 8. D आएगा डाइबल एच, डाइबल एच, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ना नेम बताया था मैंने। एल्यूमिनियम पर कितने आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं? दो, तो दो आइसोब्यूटाइल मतलब ये वाला ग्रुप CH2, CH, CH3 एंड CH3, ऐसे आइसोब्यूटाइल ग्रुप तो लगे हुए हैं दो, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? थ्री, तो दो वैलेंसी पे तो आइसोब्यूटाइल है, एक पे हाइड्राइड है। ये भी बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही काम करता है, बट ये क्राउडेड है, इस तरह की इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसमें बड़ा ग्रुप है ना, तो कुछ लिमिटेड रिएक्शन में काम में लिया जाता है। बहुत लो टेम्परेचर पर ये पार्शियल रिडक्शन करता है, किस किस का? एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, कितना? -70 से -80 डिग्री, -70, -80 डिग्री, -78 डिग्री सेल्सियस, है ना? टू, अरे यार, या और भी नीचे टेम्परेचर होना चाहिए, नेगेटिव में टेम्परेचर होना चाहिए। इस टेम्परेचर के पास में, एट वेरी लो टेम्परेचर, इट गिव्स पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड एस्टर एंड साइनाइड एंड गिव एल्डिहाइड देता है। क्या वापस बोलूं? एसिड हैलाइड से, एस्टर से और साइनाइड से रिएक्शन करके एल्डिहाइड देता है, मतलब इससे भी एल्डिहाइड देता है, इससे भी एल्डिहाइड बनता है, इससे भी एल्डिहाइड बनता है, तीनों से एल्डिहाइड बनता है। देखो, पार्शियल रिडक्शन करा रहा हूं, कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट भी हो जाता है वैसे हीट कर दे तो, लेकिन इसका यूज मेनली, इसका मेन यूज पार्शियल रिडक्शन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर लो ना, अगर आपको अच्छी यील्ड चाहिए तो इतना भारी भरकम क्यों ले रहे हो? तो इसका यूज ही ज्यादातर केस में एल्डिहाइड बनाने के लिए किया जाता है। कैसे होता है देखना, डाइबल एच है ना, सब जगह ही लिखूं क्या? ये डाइबल एच, -70 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें रिड्यूस होगा, पार्शियल रिडक्शन। एक रिएक्शन और थी जिसमें हम लोगों ने ये काम किया था, एल्डिहाइड बनाया था, जिसका नाम था रोजेनमैन रिडक्शन, एल्डिहाइड बना। इस केस में भी आधा ही रिडक्शन होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर डैश ओ एच बनेगा, ठीक है? और इसमें भी क्या होगा, आधा ही रिडक्शन होगा, और याद करो इमीन मैंने पढ़ाया था तुम्हें, ये इमीन बनता है, लेकिन ये इमीन फिर आगे हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, है ना? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात बरा, जैसे ही इसमें भी एसिड डालते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, और जहां भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है वहां हाइड्रोलाइसिस से इस पर दो एच आएंगे और इस पर ऑक्सीजन आएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा प्लस अमोनिया बनेगा, क्लियर है? तो इनका यूज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एक रिएक्शन मेरे को और याद है जिससे एस्टर से एल्डिहाइड बनता है, वो मैं यहां लिख देता हूं। एस्टर का एक और पार्शियल रिडक्शन है जिससे एल्डिहाइड बनता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह लिथियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड, तो उससे एल्डिहाइड बनता है। इसको भी मैं चेक करके बताता हूँ, रुको इसको चेक करता हूँ, आप यहाँ तक तो लिखो, नहीं इसकी जगह है सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया जाए तो एस्टर से एल्डिहाइड बनते हैं, अल्कोहल ये बनता है, ठीक है ना। तो ये केसेस आ गए हैं सारे रिडक्शन के। इसके बाद में हाइड्रोबोरेशन भी है, बट हाइड्रोबोरेशन तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बीबीआर वाला केसेस जो भी थे वो आप लोगों को मैं टेबल में बता चुका हूँ, और कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप मैं लूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उनके एग्जाम्पल्स भी लूँगा। ओके okay.